नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूथ इनपो। दोस्तों इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले हैं कि शिक्षा विभाग ने जारी किया पत्र, प्रधानाध्यापकों को स्कूल में करवाने हैं काम, तो इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा को शुरू करने से पहले रेड कलर बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन आप उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो मिल जाए आपको सबसे पहले। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 14/12/2018 से राज्य के सभी शहरी निकायों में प्लास्टिक थैले के उपयोग पर पूर्णतः रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। इस हेतु सभी नगर निकायों में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्लास्टिक थैली पर लगाए गए प्रतिबंध को सफल बनाने हेतु जिले के सभी माध्यमिक, मध्य एवं प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को प्लास्टिक थैली से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है। विभाग का कहना है कि जिले के सभी विद्यालयों में प्रार्थना सभा के समय प्लास्टिक थैली के प्रतिबंध से संबंधित शपथ पत्र का वाचन छात्र छात्रों से करवाया जाए। आपको बता दें कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, जहां से क्लिक करके आप शपथ पत्र डाउनलोड कर सकते हैं तथा विभाग द्वारा जारी पत्र को भी डाउनलोड कर सकते हैं। विभाग ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी विद्यालय प्रधान को शपथ पत्र की प्रति भेजकर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। आपको बता दें कि बिहार सरकार प्लास्टिक बैन को लेकर बिल्कुल सख्त हो चुकी है और इस नियम को सख्त रूप से लागू करवाना चाहती है। लोगों को जागरूक भी करना चाहती है कि प्लास्टिक से क्या क्या हानियाँ हैं और इसे बंद भी करना चाहती है ताकि प्लास्टिक से जो होने वाली हानि है वो हमारे समाज में ना हो, हमारे वातावरण को इससे कोई दिक्कत पैदा ना हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि जानकारी सबको मिल सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय शिक्षा, वंदे मातरम।